आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको आज चमत्कार एक जाम सांवरी मंदिर में स्थित भगवान श्री हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा के दर्शन करा रहे हैं। जाम सांवरी मंदिर मध्य प्रदेश, जो देश का हृदय प्रदेश है, उसके छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। जाम सांवरी का चमत्कारिक श्री हनुमान जी का मंदिर भगवान श्री नाभि हनुमान जी की नाभि से निरंतर जल बहता रहता है, इस तरीके की मान्यता है। भक्त इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस जल को पीने से लोगों को शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों का इलाज मिल जाता है। इसको पीने से इस तरीके की मान्यता है, चर्म रोग नहीं होते, दूसरे रोगों से भी इसका इलाज छुटकारा संभव है, इस तरीके की मान्यता है। मध्य प्रदेश के प्राचीन क्षेत्र दंडकारण्य सतपुड़ा में कल पर्वत श्रृंखला में ये स्थित है। छिंदवाड़ा से लगभग 70 किलोमीटर दूर पांडुर्णा विकासखंड, जो छिंदवाड़ा जिले का है, उसकी सीमा पर ये मंदिर स्थित है। नागपुर से लगभग 66 किलोमीटर दूरी पर नागपुर छिंदवाड़ा रोड पर बजाज जॉइंट चेक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जाम नदी और सांवली नदी में सरपा नदी के संगम पर ये स्थित है। यहाँ सड़क मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए सौंसर, जो छिंदवाड़ा जिले की का एक विकास खंड है और तहसील भी है, इस सौंसर तक रेल मार्ग भी उपलब्ध है, जहाँ से आप जाम सांवरी जा सकते हैं। ये अद्भुत श्री हनुमान जी का मंदिर जाम सांवरी आस्था और विश्वास का केंद्र है, जहाँ सच्चे मन से आने वाले भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, इस तरीके की मान्यता है। यहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बहुत श्रद्धालु यहाँ दर्शन लाभ उठाते हैं। इस स्वयंभू श्री हनुमान जी की एक प्रतिमा यहाँ पर लेटी हुई अवस्था में है। यह प्रतिमा लगभग 15 फीट की है। हनुमान जी की मूर्ति को किसने स्थापित किया, इसका कोई यहाँ प्रमाण नहीं मिलता है। तथ्यों के अनुसार हनुमान जी यहाँ स्वयं प्रकट हुए हैं। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 100 साल पूर्व पीपल के वृक्ष के नीचे इसका उल्लेख अवश्य मिलता है। कुछ लोगों द्वारा मूर्ति के नीचे छिपे हुए धन के संग्रह के कारण मूर्ति को हटाने का प्रयास किया गया था, इस तरीके की एक किंवदंती भी है। मूर्ति को हटाने के लिए 20-20 बैलों और सांडों के द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा को हटाने का प्रयास किया गया, किंतु हनुमान जी की प्रतिमा अपने स्थान से टस से मस भी नहीं हुई है। रामायण काल में किंवदंतियों और मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मण जी जब युद्ध में घायल हुए थे, वे मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी हिमालय पर्वत से संजीवनी लेने गए थे। संजीवनी लाते समय भगवान श्री हनुमान, राम भक्त हनुमान, जाम सांवली में पीपल के पेड़ के नीचे कुछ देर विश्राम के लिए यहाँ रुके थे। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि भगवान हनुमान यहाँ विश्राम अवस्था में विराजमान है। इस तरीके की मान्यता भी है कि यहाँ पहुँचने पर भूत बाधाओं से मुक्ति मिलती है, कष्टों से निराकरण होता है। यहाँ कई भक्त सवा महीने तक रुकते हैं और हनुमान जी की सेवा करते हैं। विशेष अनुष्ठानों में शामिल होने पर अच्छे फल की प्राप्ति होती है, इस तरीके की यहाँ पर मान्यताएँ भी हैं। जाम सांवरी के ये चमत्कारिक हनुमान मंदिर है, जहाँ पर लोग जल चढ़ाते हैं, अपनी अभिलाषाएं इच्छाएं यहाँ पर प्रकट करते हैं। प्रसाद के रूप में जलामृत एवं चोला का सिंदूर ले जाना नहीं भूलते हैं। जैसा कि वर्णन किया जा चुका है कि प्रेत बाधा पीड़ित व्यक्ति यहाँ चमत्कारिक हनुमान जी की श्री मूर्ति के समक्ष आते ही झूमने लगते हैं। प्रेत बाधा पीड़ित व्यक्ति के साथ उनके परिवार के लोग भी आते हैं। परिवार वालों को यहाँ रुकने की व्यवस्था चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर जाम सांवली ट्रस्ट द्वारा आवास गृह बनाकर की गई है। प्रेत बाधा पीड़ित व्यक्ति यहाँ धीरे धीरे प्रेत बाधा मुक्त होकर ठीक हो जाते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे लेटी हुई चमत्कारिक हनुमान जी की मूर्ति के संबंध में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर मूर्ति पहले सीधी खड़ी हुई अवस्था में थी। राजस्व अभिलेखों में, जैसा भी पूर्व में बताया, कि 100 वर्ष पूर्व चमत्कारिक हनुमान मंदिर का उल्लेख मिलता है। लगभग 9 डिसमिल भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शासकीय रूप में दर्ज की गई है, जिस जगह चमत्कारिक हनुमान प्रतिमा मिली है। यहाँ लगभग 200 वर्ष पूर्व एक पीपल का विशाल वृक्ष था। पीपल पेड़ के चारों ओर आसपास घास एवं कटीली झाड़ियाँ थी। खेत के मालिक द्वारा उन झाड़ियों को साफ कराया गया। घटना लगभग 1885 के आसपास की बताई जाती है। पीपल वृक्ष के चारों ओर सफाई के पश्चात मजदूरों को, श्रमिकों को चमत्कारिक हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी। ये बात
उनके द्वारा बताई गई है। खेत के मालिक को ये चर्चा जाम सांवली में, सांवली गांव जो है वहां पर हवा की तरह फैल गई। उस वक्त ग्राम के पुलिस पटेल और ग्राम के कुछ लोगों द्वारा उस स्थान को साफ कराकर उस स्थान पर टीम का एक आयताकार टीन शेड बनाया गया। लगभग 9 डिसमिल शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज की गई ये भूमि है। कहा जाता है कि इस यह मूर्ति खड़ी थी, मूर्ति के आसपास कहीं बड़ा खजाना है। इस दृष्टि से एक दिन 20-25 डाकू घोड़े पर बैठकर खजाना लूटने आए। ये देख चमत्कारिक हनुमान जी खजाने पर लेट गए और डाकू घोड़ों की मदद से उनके द्वारा यहाँ इसे हटाने की कोशिश की गई, पर हनुमान जी की प्रतिमा वहाँ से डिगी नहीं। इसके बाद वहाँ से डाकू निराश होकर वापस लौट गए। इसके उपरांत 1965 में 5 लोगों की समिति बनाई गई। समिति मंदिर में पूजा पाठ और अन्य काम देखती है। कुछ वर्षों बाद 11 लोगों की दूसरी कमेटी बनी। उस समिति का संविधान एवं बायलाज बनाकर समिति का पंजीयन कराया गया। इस तरीके की यहाँ पर मान्यताएं यहाँ मिलती है। यहाँ बजरंग गौशाला भी है। चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर जाम सावली में 2 बार श्री हनुमान जी की आरती होती है। पहली आरती सुबह 5:30 बजे और दूसरी आरती शाम 5:30 बजे होती है। चमत्कारिक हनुमान मंदिर जाम सावली ट्रस्ट द्वारा भक्तों के लिए आवास गृह बनाए गए हैं। कुछ राशि अदा कर भक्त परिवार सहित यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ पर भवन का निर्माण जारी है और अगर आप यहाँ इस संकट मोचक हनुमान मंदिर सावली में अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी दान देना चाहें दे सकते हैं, उसकी बकायदा आप रसीद ले लें। चमत्कारिक हनुमान मंदिर जाम सावली का सिर्फ भारतवर्ष नहीं विदेशों में भी इसकी ख्याति है। ये चमत्कारिक हनुमान मंदिर है। यहाँ पर प्रेत बाधा से ग्रसित लोग आते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस प्रेत बाधा से यहाँ लोगों को मुक्ति मिलती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए जाम सावली से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जाम सावली अगर आप जाना चाहते हैं तो छिंदवाड़ा जिले में ये स्थित है। छिंदवाड़ा से नागपुर मार्ग पर सौंसर के करीब ये स्थित है। छिंदवाड़ा आप अगर नागपुर से आ रहे हैं तो भी सौंसर के करीब ये स्थित है। रेल मार्ग से अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो सौंसर सबसे समीपस्थ रेलवे स्टेशन है। हवाई अड्डे के रूप में अगर आप हवाई यात्रा से जाना चाहते हैं तो हवाई अड्डा सबसे करीबी हवाई अड्डा नागपुर और जबलपुर है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए जाम सावली से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।